हेलो दोस्तों और मेरे प्यार प्यार बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, मैं हूँ विनोद सर और मैं आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 36 का पार्ट टू हम लोग करने वाले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग शुरू करने वाले। पहला जो पार्ट था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व कर लिया था, आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। और नहीं देखा होगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में से जाकर उन सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो, एंड आई होप आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज हमारे चैनल को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के एक शॉर्ट इंट्रो के बाद में हम लोग ये प्रैक्टिस सेट का पार्ट टू शुरू करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर लेते हैं। जाकर सारी वीडियो को आप लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्या दिया गया इस क्वेश्चन में? राकेश एज इज लेस देन सानिया एज बाय 5 इयर्स। इसका मतलब क्या होता है? राकेश जो है सानिया से 5 साल छोटा है। इसका मतलब यही होगा ना बच्चों, राकेश जो है सानिया से कितना साल छोटा है भाई? 5 ईयर। क्या हमें राकेश का एज पता है? क्या हमें सानिया का एज पता है? नहीं, सिर्फ हमें एक कंडीशन दिया है, राकेश सानिया से 5 साल छोटा है। अगर मान लीजिए सानिया 20 साल की है तो राकेश का एज कितना होना चाहिए? 15 ईयर होना चाहिए। ओके, क्योंकि आपने जो भी एज सानिया का रहेगा उससे आप 5 ईयर कम कर दोगे। ओके, बट यहाँ पे सानिया का एज पता है क्या? 20 साल है? नहीं, हमें नहीं पता है सानिया का एज 20 साल है। ओके, तो ऐसे समय पे हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे भाई? यहाँ पर देखिए राकेश और ये है सानिया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं, अगर सानिया को एक्स ईयर मान लेता हूं। ओके, देखिए राकेश सानिया से कितना साल छोटा है भाई? 5 ईयर। लेकिन सानिया का एज तो हमें पता नहीं है, तो ऐसे समय पे क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे, ऐसे अननोन वैल्यू की जगह पर आप लोग एक्स एज अ वेरिएबल आप कंसिडर कर सकते हो। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं सानिया को, मान लेते हैं एक्स ईयर है, सानिया का एज एक्स ईयर है, क्योंकि हमें पता नहीं है, करके लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? एक्स ईयर ले रहे हैं। ओके, तो सानिया का एज अगर एक्स ईयर है तो राकेश क्या हो जाएगा भाई? उससे 5 साल छोटा हो जाएगा। अगर सानिया का एज 20 साल है तो राकेश का कितना बोल रहे हो? 15 ईयर। तो अगर सानिया का एज एक्स ईयर है तो राकेश कितना होना चाहिए भाई? एक्स माइनस 5 होना चाहिए। ओके, आप इसको इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हो, सानिया का एज एक्स ना कंसिडर करके राकेश का एज को एक्स ले सकते हो। ओके, अगर मैंने मान लो राकेश का एज को एक्स ले लिया तो सानिया का एज क्या करना पड़ेगा? उसमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सानिया जो है राकेश से 5 साल बड़ी है। यहां पर क्या क्वेश्चन में दिया है? राकेश सानिया से 5 साल छोटा है। इसका मतलब सानिया राकेश से 5 साल बड़ी हो गई। अगर मैं राकेश का एज को एक्स ले लिया हूं तो सानिया का एज क्या हो जाना चाहिए? एक्स प्लस 5 हो जाना चाहिए। अब तुम लोग डिसाइड करो तुम्हें क्या कंसिडर करना है, किस तरह से, क्या सानिया का एज एक्स लेकर चलना है कि राकेश का एज को एक्स लेकर चलना है। अगर सानिया का एज आपने एक्स लिया तो राकेश का एज एक्स माइनस 5 होना चाहिए। अगर आप राकेश का एज को एक्स ले रहे हो तो सानिया का एज एक्स प्लस 5 होना चाहिए। ओके, तो हम लोग कोई भी एक ले लेते, चलो हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं। ओके, सो लेट द एज ऑफ राकेश बी एक्स ईयर। अगर राकेश का एज एक्स है तो सानिया का एज क्या होगा? एक्स प्लस 5। तो यहां पर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, लेट द एज ऑफ राकेश बी एक्स ईयर। ओके, राकेश का एज कितना है भाई? एक्स ईयर से। ओके, सो अगर राकेश का एज मैंने एक्स लिया, देयरफॉर द एज ऑफ सानिया, सानिया का एज क्या होगा? एज ऑफ सानिया भी कितना होना चाहिए भाई? राकेश से 5 साल बड़ी है, तो राकेश को एक्स लिया तो सानिया क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 5 इयर्स की हो जाएगी। ओके, यस। अब आगे देखिए, आगे अगर क्वेश्चन को और रीड करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा, द सम ऑफ देयर एजेस इज, दोनों का एज का अगर मैं सम करूंगा तो 27 इयर्स आएगा। अगर मैं दोनों का एज का सम करूंगा तो 27 इयर्स आएगा। तो हम लोग लिखेंगे, बट द सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस इज 27 इयर्स। ओके, अगर मैं दोनों जन का एज का सम करूं तो 27 इयर्स आएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, दोनों जन का एज का सम करो एक्स, ओके,
राकेश का एज क्या है? एक्स ईयर। और सानिया का एज क्या है? एक्स प्लस फाइव। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, राकेश एज प्लस सानिया एज। अगर राकेश का एज और सानिया का एज का मैं सम करूं तो मुझे कितना आना चाहिए भाई? 27 आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। राकेश का एज अगर सानिया का एज के साथ मिलाया जाएगा तो 27 आना चाहिए। देखो राकेश का एज कितना है भाई? राकेश का एज को हमने एक्स लिया है, प्लस सानिया का एज कितना है? एक्स प्लस फाइव। ये दोनों को ऐड किया तो आपको कितना मिलना चाहिए? 27। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा एक इक्वेशन बन गया, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। ये एक्स और एक्स मिल जाएंगे तो कितना एक्स बनना चाहिए भाई? हाँ, देयरफॉर मैं लिखूंगा 2x लिखूंगा और ये प्लस 5, ओके, और इक्वल्स टू 27। अब देखिए ये आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, सॉल्व द इक्वेशन, सेम उसी फॉर्म में आ गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले क्या करोगे, 5 जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। ये कॉन्स्टेंट टर्म क्यों है? क्योंकि इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ रखना और जो कांस्टेंट टर्म को दूसरे तरफ लेके जाना। देखो वेरिएबल वाला टर्म कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में, ओके? तो ये जो आपको प्लस फाइव दिख रहा है, ये कांस्टेंट टर्म को क्या करो, राइट साइड में भेज दो, क्योंकि ऑलरेडी राइट साइड में एक और कांस्टेंट टर्म है। तो ये फाइव को उधर भेज दो। फाइव जब उधर जाएगा तो आप लोग क्या लिखोगे? 2x = 27 - 5। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, 2x = 27 में से 5 गया तो कितना बचना चाहिए भाई? 22, ओके। अब 2x = 22 आ गया, 2x = 22 हो गया, इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे। सो मुझे x का वैल्यू कैसे मिलेगा? अगर आपने 2x = 22 निकाल लिया है तो यहां से x का वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को आप लोग क्या करना है? 22 से डिवाइड करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा therefore x = 22/2। therefore x = क्या आ जाएगा भाई यहां पर? 11, ओके। x का वैल्यू 11 मिल गया। एक्स का वैल्यू मुझे 11 मिला, मतलब मुझे राकेश का एज मिल गया, क्योंकि राकेश को मैंने क्या कंसिडर किया था? एक्स ईयर। राकेश को बच्चों मैंने क्या कंसिडर किया था? एक्स ईयर। यहाँ पर देखो अच्छे से, तो एक्स का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है। तो मैं लिखूंगा therefore राकेश एज इज 11 ईयर्स, ओके। एंड सानिया का एज ढूंढना है, एंड सानिया एज कितना आएगा भाई? सानिया एज कितना आएगा? एक्स प्लस फाइव है, तो सानिया एज एक्स प्लस फाइव है, तो एक्स प्लस फाइव यहाँ पर लिखो। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? एक्स का वैल्यू है 11, 11 प्लस फाइव, 11 प्लस फाइव कितना होता है? 16 इयर्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर राकेश का एज और सानिया का एज फाइंड आउट किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या दिया गया क्वेश्चन में। व्हेन प्लांटिंग अ फॉरेस्ट द नंबर ऑफ जामबुल ट्री प्लांटेड वाज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अशोका ट्री। देखिए दो प्रकार के ट्री है, एक है जामबुल का और एक है अशोका, ओके। दो ट्री है, जामबुल एंड अशोका। क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ जामबुल ट्री प्लांटेड वॉज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अशोका ट्री, ओके। यहां पर क्या बोला गया है? अशोका ट्री से ज्यादा जामबुल ट्री को प्लांट किया। कितना? 60 ट्री ज्यादा। मतलब अगर अशोका ट्री 100 प्लांट किया रहेगा तो जामबुल ट्री कितना हो जाएगा भाई? 160। क्वेश्चन समझो, व्हेन प्लांटिंग अ फॉरेस्ट, जब एक फॉरेस्ट प्लांट हो रहा था तो बोला गया द नंबर ऑफ जामबुल ट्री प्लांटेड वॉज ग्रेटर देन, नंबर ऑफ जामबुल ट्री प्लांटेड वॉज ग्रेटर देन अशोका ट्री बाय 60। मतलब कितने नंबर ऑफ ट्री ज्यादा थे जामबुल के? 60 ट्री ज्यादा थे। सो अगर एग्जाम्पल के लिए अगर अशोका ट्री 100 रहेगा तो जामबुल ट्री कितना होना चाहिए भाई? 160 होना चाहिए, उससे 60 और बढ़ा देना चाहिए। बट हमें ये पता है कि अशोका ट्री कितना नंबर में प्लांट किया गया? नहीं पता है। सो जब नहीं पता है तो आप लोग क्या करोगे ऐसे समय पे? अशोका को कितने ले लोगे नंबर ऑफ ट्री? एक्स ट्री। अगर अशोका एक्स रहेगा तो जामबुल कितना होना चाहिए बच्चों? एक्स प्लस 60 होना चाहिए, क्योंकि अशोका से 60 ट्री ज्यादा होना चाहिए। तो अशोका के पास जितना भी नंबर ऑफ ट्री रहेगा उससे 60 और ज्यादा बढ़ा दोगे, तो एक्स प्लस 60 हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे बोला गया है
इफ देर ऑल टूगेदर 200 ट्री, अगर दोनों को मिलाया जाएगा तो कितने ट्री बनने चाहिए भाई? 200. इफ देर ऑल टूगेदर आर 200 ट्री ऑफ दिस टू टाइप, ओके, देन हाउ मेनी जामुल ट्री वेर प्लांटेड. ओके, सो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 200 ट्री मिलना चाहिए. बहुत ही सिंपल सा है. ओके, तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे. यस, कंसीडर क्या करोगे? अशोका को एक्स ले लो, क्योंकि अशोका से ज्यादा ट्री जामुल प्लांट आउट हुआ है. तो अशोका को एक्स लिया तो जामुल का कितना जाएगा? एक्स प्लस 60. ओके, यहां पर लिख देता हूं एक्स प्लस 60 और इसको हमने एक्स लिया. ओके, सो लेट, क्या लोगे? लेट द नंबर ऑफ अशोका ट्री प्लांटेड, लेट द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज प्लांटेड कितना है भाई? एक्स. ओके, एक्स ट्रीज. एंड द नंबर ऑफ therefore लिखो, एंड therefore. ओके, अगर अशोका का एक्स ट्री प्लांटेड हुआ, therefore द नंबर ऑफ जामबुल ट्रीज प्लांटेड कितना होना चाहिए भाई? जामबुल का कितना होना चाहिए? एक्स प्लस 60 होना चाहिए. ओके, अब आगे क्या लिख कर दिया गया? इफ देयर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज, मतलब पूरा मिलाया जाएगा तो कितने ट्रीज हो रहे? 200 ट्रीज. ओके, सो हम लोग क्या लिखेंगे? बट द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 200. ओके, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा. ओके, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जामबुल ट्री और अशोका ट्री को प्लस किया तो 200 आना चाहिए. ओके, समझा कि नहीं? तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं अशोका, ऐसे लिख देना, अशोका ट्रीज प्लस जामबुल ट्री. ओके, अशोका ट्रीज प्लस जामबुल ट्री इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए. अशोका ट्री कितना है भाई? देखो जरा, अशोका ट्री कितना है? एक्स है. ओके, प्लस जामबुल ट्री कितना है? देखो जरा, एक्स प्लस 60. ओके, ये एक्स है और ये एक्स प्लस 60, दोनों को मिलाया जाएगा तो कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए. ओके, अब यहां पर देखो, ये एक्स और ये एक्स, कितना एक्स हो गया? यस, तो देयरफॉर मैं यहां पर लिखूंगा 2x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 200. नेक्स्ट स्टेप में अब आ गया ना इक्वेशन में. ओके, ये 60 को यहां पे ले जाओ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाओ. सो यहां पर क्या मिलेगा? 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 200 माइनस 60. तो therefore 2x equals to कितना हो जाएगा? 200 में से 60 चला गया तो 140 हो जाएगा. ओके, 2x equals to 140 हुआ, therefore हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, therefore x की वैल्यू क्या होगी भाई? 2x equals to 140 है तो x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 140 अपॉन 2. ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 70. ये x की वैल्यू 70 मिला, मतलब ये किसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है? x किससे लिया था? अशोका ट्री. ओके, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं अशोका ट्री कितना है? 70. ओके, ऑल्सो जामबुल ट्री भी आपको निकालना है, तो जामबुल ट्री. ओके, जामबुल ट्री कितना है भाई? x प्लस 60 है. जामबुल ट्री कितना है यहां पर? x प्लस 60, तो इसका वैल्यू निकालो यहाँ पर, x का वैल्यू पुट करके. x कितना मिला है भाई तुमको? 70. ओके, और जामबुल ट्री हाँ प्लस 60, तो 70 प्लस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 130 ट्रीज. ओके, तो इस तरह से हमने जामबुल ट्रीज फाइंड आउट कर लिया है. टोटल कितने ट्रीज है? 130 ट्रीज है. आपको क्वेश्चन में देखो सिर्फ यही बोला गया था कितने नंबर ऑफ जामबुल ट्री प्लांटेड है, तो जामबुल ट्री प्लांटेड इज 130 ट्रीज. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ओके, अगर आप चाहते हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अभी हम लोग सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं. चलिए बच्चों, अभी हम लोग सिक्स सम देख लेते हैं. क्या दिया गया इस क्वेश्चन में?
शुभांगी हैज ट्वाइस हैज मेनी 20 रुपी नोट्स एज शी हैज 50 रुपी नोट। देखो शुभांगी के पास क्या बोला गया है, 20 रुपए के नोट जो है ना 50 रुपए के नोट के मुकाबले डबल है। देखिए फिर से रीड करता हूं क्वेश्चन, शुभांगी हैज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल, हैज मेनी 20 रुपी नोट एज शी हैज 50 रुपी नोट, मतलब 50 रुपीज के नोट जितने भी शुभांगी के पास है ना उससे दुगना नोट्स उसके पास 20 रुपीज का है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शुभांगी के पास 50 रुपी के जितने भी नोट्स है उसका डबल उसके पास 20 रुपी का नोट है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, सपोज ये है आपका 50 रुपीज का और ये है 20 रुपीज का, तो हमें ये थोड़ी ना पता है कि शुभांगी के पास 50 रुपीज के कितने नोट्स है। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसिडर कर लेंगे, मान लीजिए शुभांगी के पास 50 रुपीज के एक्स नोट है, अगर 50 रुपीज के एक्स नोट है तो 20 रुपीज के कितने हो जाना चाहिए भाई, डबल बोला तो 2x हो जाना चाहिए। अगर 50 रुपीज के उसके पास 50 रुपीज का अगर उसके पास 100 नोट है तो 20 रुपीज का कितना हो जाना चाहिए भाई, 200 होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। ओके आगे बोला गया दोनों मिलाकर के ऑल टूगेदर शी हैज 2700 रुपीज, दोनों मिलाकर के 2700 रुपया होना चाहिए। ओके तो ऐसे आप लोग गलती से भी मत लिखना x प्लस 2x इक्वल्स टू 2700, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके नहीं तो आप लोग जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे दोनों को ऐड करके लिख रहे थे, यहाँ पर नहीं करना ऐसे। ओके यहाँ पर आपको क्या करना है, 50 रुपीज के कितने नोट है भाई, एक्स नोट है, तो हम लोग कैसे इक्वेशन बनाएंगे इसको मैं रफ कर देता हूँ, इक्वेशन हम लोग ऐसे बनाएंगे, 50 रुपीज के एक्स नोट है तो 50x आएगा, 50 रुपीज के कितने नोट है, एक्स नोट है तो 50x आएगा। देखिए अगर मैं कहता हूं कि अगर 50 रुपीज के आपके पास 10 नोट है, 50 रुपीज के आपके पास 10 नोट है तो आपके पास कितना रुपया होना चाहिए, 500 रुपीज होना चाहिए। ओके सो यहां पर हमने कंसीडर क्या किया है, अगर 50 रुपीज के एक्स नोट है तो आपके पास कितना रुपया हुआ, टोटल 50x रुपीज हुआ। ओके उसी प्रकार 20 रुपीज के 2x नोट है तो आपके पास कितना होना चाहिए भाई, 20 × 2x, आप लोग ऐसे लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली 40x लिख सकते हो, और दोनों को मिलाया जाएगा तो 2700 रुपीज बनना चाहिए। ओके बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो अभी हम लोग सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, लेट द 50 रुपीज नोट, ओके द शुभांगी हैज, ओके सो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लेट शुभांगी हैज एक्स नोट ऑफ रुपीज 50, क्या लिखना है, लेट शुभांगी हैज एक्स नोट ऑफ रुपीज 50, कैसे लिखा हमने, लेट शुभांगी हैज एक्स नोट नोट्स ऑफ रुपीज 50, शुभांगी के पास x नोट है 50 रुपीज का, उसके बाद अगर x नोट है 50 रुपीज का therefore शुभांगी के पास 20 रुपी का नोट कितना होगा, ओके therefore शुभांगी will have 2x नोट, 2x नोट्स ऑफ रुपीज 20, ओके सो 20 रुपीज का कितना नोट होगा, 2x नोट होगा। देखो बहुत ही सिंपल सा है, शुभांगी हैज x नोट्स ऑफ रुपीज 50 हमने लिखा, अगर 50 रुपीज का x नोट है तो 20 रुपीज का उसके पास कितना होगा, 2x नोट होगा, तो हमने वही लिखा, लेट शुभांगी हैज x नोट ऑफ रुपीज 50, देयरफॉर शुभांगी विल हैव 2x नोट ऑफ रुपीज 20, ओके अब हमारा जो कंडीशन दिया है हमें क्या बोला गया, दोनों को मिलाया जाएगा तो 2700 रुपीज बनेगा। ओके सो हम लोग बोलेंगे यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ओके अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप ऐसे भी यूज कर सकते हो यहां पर। ओके अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला गया है, दोनों को ऐड किया गया है, 50 रुपीज के जितने नोट है उसके पास और 20 रुपीज के जितने नोट है अगर दोनों को ऐड किया जाएगा तो दोनों मिला करके 2700 रुपीज बनता है। ओके तो 50 रुपीज के कितने नोट है भाई, एक्स नोट है, तो ये बता दो 50 रुपीज के एक्स नोट है तो उसके टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, 50x रुपीज होना चाहिए। अगर 50 रुपीज के एक्स नोट है तो उसके टोटल अमाउंट 50x रुपीज होना चाहिए। अगर आपके पास 50 रुपीज का 10 नोट है तो टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए आपके पास, 500 रुपीज। वैसे यहाँ पे 50 रुपीज के एक्स नोट है तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, 50x रुपीज होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे, 50x लिखेंगे। ओके
मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, 50 रुपी के एक्स नोट है तो टोटल उसके कितना रुपीज होना चाहिए, 50x रुपीज होना चाहिए, और वहीं पे 20 रुपीज के 2x नोट है तो टोटल कितना होना चाहिए, 20 इंटू 2x मतलब डायरेक्टली हम लोग 40x लिख सकते हैं, ओके, नहीं तो हम लोग एक स्टेप बढ़ा कर लिखते, 20 रुपीज के उसके कितना नोट है, 2x है, तो 20 इंटू 2x लिख दो और इज इक्वल्स टू 2700 लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में 20 इंटू 2x को मैं 40x लिख देता हूँ, सो 50x ऑलरेडी यहाँ पे, 20 इंटू 2x कितना हो जाएगा भाई, 40x हो जाएगा, इक्वल्स टू 2700 हो जाएगा। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, therefore 50 प्लस 40x करने पे कितना आ जाएगा, 90x हो जाएगा, 90x इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 2700, ओके, सो therefore हम लोग यहाँ पे 90x इक्वल्स टू 2700 है तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 2700 अपॉन 90 हो जाएगा, ये 90 उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, ओके, सो ये 00 कट और 270 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 9 3 27 और ये 0, ओके, तो x का वैल्यू आपको क्या मिला, 30 मिल गया, ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, x का वैल्यू आपको 30 मिल गया, x का मतलब क्या है, 50 रुपी का नोट, हमें वही बोला गया था, therefore शुभांगी has 30 note of rupees 50, कितना है, 30 notes of rupees 50, ओके, इस तरह से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके, आप एक फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, और फिर अभी हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अभी हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया इस लास्ट क्वेश्चन में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, विराट मेड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज रोहित, विराट ने रोहित के मुकाबले डबल रन स्कोर किए, रोहित ने जितना भी रन स्कोर किया है विराट ने क्या किया भाई, ट्वाइस रन स्कोर किया है एज कंपेयर टू द रोहित, ओके, सो हमें पता नहीं रोहित ने कितना रन स्कोर किया, अगर मान लीजिए रोहित ने 50 रन स्कोर किया है तो विराट कितना करना चाहिए, उसका डबल होना चाहिए मतलब 100 रन, तो यहाँ पर रोहित का स्कोर तो दिया नहीं है, बट हमें बताया गया है कि रोहित के मुकाबले विराट डबल रन स्कोर किया है, ट्वाइस स्कोर किया है, सो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, रोहित को हम लोग एक्स मान लेते हैं तो विराट कितना हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा, यही दिया है ना आपको क्वेश्चन में, विराट मेड ट्वाइस एज मेनी रन एज रोहित, ओके, विराट ने रोहित के मुकाबले ट्वाइस रन बनाया है, तो रोहित को एक्स लिया तो विराट क्या आएगा, 2x आ जाएगा, आगे बोला गया तो टोटल नंबर ऑफ द स्कोर, मतलब अगर दोनों का स्कोर को मैं प्लस करता हूं, दोनों का स्कोर को अगर मैं प्लस करता हूं, टोटल नंबर ऑफ द स्कोर इज का मतलब इज इक्वल्स टू, देखो टोटल नंबर ऑफ स्कोर का मतलब होगा एक्स प्लस टू एक्स, एक्स प्लस टू एक्स इज का मतलब इज इक्वल्स टू टू लेस देन डबल सेंचुरी, टू लेस देन डबल सेंचुरी मतलब क्या आएगा, माइनस टू करो, टू लेस देन डबल सेंचुरी कितना होता है 200, एक सेंचुरी कितना होता है भाई 100 होता है, तो डबल सेंचुरी बोला है मतलब कितना लोगे 200 लोगे, बस ये आपका इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करोगे आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, अगर एक्स का वैल्यू मिल गया तो आपको रोहित का रन पता चल जाएगा, रोहित का रन पता चल गया तो विराट का भी पता चल जाएगा, बहुत ही सिंपल सा, चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, यस क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे रोहित से, ओके, लेट द रन स्कोर्ड बाय रोहित, क्या लिखना है भाई, let the run scored by Rohit, yes, कितना आएगा, x आएगा, okay, run scored by Rohit कितना आएगा, x run, therefore Virat scored कितना आना चाहिए, बी 2x आना चाहिए, विराट रोहित के मुकाबले डबल रन स्कोर कर रहा है, तो रोहित ने अगर x रन बनाया है तो विराट ने कितना रन बनाया है भाई, 2x रन बनाया है, ओके, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, यस, नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग को जो कंडीशन दिया गया है हमारा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया गया, कंडीशन में हमें कहा गया है सम ऑफ देयर स्कोर, मतलब टोटल ऑफ देयर स्कोर, टोटल ऑफ देयर स्कोर कितना आएगा भाई, x और 2x दोनों का स्कोर का टोटल करो, x प्लस 2x, ओके, तो टोटल ऑफ देयर स्कोर इज का मतलब इज इक्वल्स टू पुट करो 2 लेस देन डबल सेंचुरी, 2 लेस देन डबल सेंचुरी मतलब क्या करना है आपको,
यहाँ पे माइनस टू करना है और यहाँ पे आपको 200 लिखना है। डबल सेंचुरी मतलब 200 होएगा, सिंगल सेंचुरी मतलब 100 होता है। तो 200 माइनस टू, अब आपका एक सिंगल एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लो। एक्स प्लस टू एक्स करोगे तो क्या आएगा, देयरफॉर ये 3x हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू कितना लिखोगे, 198। ओके, अब 3x इक्वल्स टू 198 है तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, x इक्वल्स टू 198 अपॉन 3 लिखोगे। ओके, इसको आप लोग डिवाइड कर लो जरा, क्या आएगा, 3 के डेल में 3 वन जा 3 सिक्स जा 3 सिक्स जा 18 आता, बचा कितना 1 कैरी कर लोगे तो नंबर कितना हो जाएगा 18। फिर से 3 के डेल में 18 कब आएगा, 6 जा। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, x का वैल्यू क्या मिला मुझे, 66 मिला। ये x का वैल्यू 66 मिल गया, मतलब x हमने किसके लिए कंसिडर किया था, रोहित के लिए। ओके, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर रोहित रन स्कोर ऐसा लिख देते, रोहित रन स्कोर कितना है भाई, रोहित के लिए x हुआ था तो रोहित ने कितना 66। ओके, 66 रन। और देयरफॉर विराट रन स्कोर कितना आएगा भाई, विराट क्या है भाई, 2x है ना, 2x है तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 66। तो 2 इंटू 66 करने पे कितना आ जाएगा, 132 रन। ओके, तो रोहित ने 66 रन स्कोर किया और विराट ने 132 रन स्कोर किया। आपको यही बोला गया था, हाउ मेनी रन डिड ईच ऑफ देम मेक। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर निकाल लिया और इसी के साथ साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट होता है। आप लोग फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, और फिर हम लोग भी यहीं पे हमारा वीडियो को भी यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो आप लोग वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ जाएगा। और इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ये अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लो, एक वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में जरूर आएगा 3 मार्क के लिए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके पहले का जो भी प्रैक्टिस सेट है, अगर वो आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल पर डायरेक्टली विजिट करके वो सारे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके लिए हम लोग बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, सो डैट आपके लिए एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल करा के दे दे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग यहीं पे हमारा लेक्चर को भी फिनिश करते हैं। मिलता हूं मैं बहुत ही जल्द से जल्द मिलता हूं। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, सी यू अगेन।